number of cells, organism can be of two types. Organism can be unicellular, unicellular organisms, or multicellular. Unicellular or multicellular. Mind it, it is unicellular and multicellular. As the name suggests, unicellular means organisms which consist of only one cell. बॉडी के अंदर केवल एक ही सेल है और इस एक ही सेल में वो सारी एक्टिविटीज होती है जो कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स में काफी लार्ज स्केल पे काफी सारे सेल्स मिल करके करते हैं. तो इसी शो यूनिसेलुलर सेल्स कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल केवल एक ही सेल होगी पूरी बॉडी में. एंड हियर बॉडी कंसिस्ट ऑफ मेनी सेल्स. In some cases there are billions of cells. Now, in most of the cases there are billions of cells. Here, all the functions, or you can say all the life functions are performed. By a single cell. सारे के सारे function single cell में perform किए जाते हैं. It means there is no division of labor. Division of labor यहाँ पे नहीं है क्योंकि एक ही cell सारे function को perform करता है. एक ही cell respiration भी कर रहा है, digestion भी कर रहा है, movement अगर हो सकती है तो movement भी कर रहा है, reproduction भी कर रहा है, excretion भी कर रहा है. तो सारे functions को एक ही cell perform करता है. But here division of labor. फॉर्म मतलब डिफरेंट जो सेल्स होंगे वो डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे. तो बट यहां एक ही सेल सारे फंक्शन को परफॉर्म करता है. एग्जांपल वी कैन टेक बैक्टीरिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. बैक्टीरिया अमीबा ऑल द प्रोटोजोअन्स आर यूनिसेलुलर. अमीबा प्लाज्मोडियम दीज ऑल आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. एंड हियर जितने हायर ऑर्गेनिजम्स है जितने भी हायर प्लांट्स एनिमल्स ह्यूमन बींग्स ह्यूमंस बर्ड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एक्सेट्रा दीज ऑल आर मल्टी सेलुलर जिसमें देर आर मिलियंस ऑफ सेल्स विच टूगेदर फॉर्म द बॉडी. एंड अगेन देर इज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन काफी सिंपल है. ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे क्या है, केवल एक सेल है और वो सेल बॉडी के सारे फंक्शन को परफॉर्म करता है. बट हियर देर आर डिफरेंट सेल्स एंड इन सम केसेस सेल्स जॉइन टू फॉर्म टिश्यूज. Again, tissues join to form organ. Organs join to form organ system, and organ system together form the complete body. So here there is complex organization, but here there is very simple organization. Now, we can take the shape of cells. Different तरह के body के जो parts हैं, जो different तरह के जो cells हैं, तो they have different shapes. अलग-अलग जो shape, जो cell हैं, उनके shape जो होते हैं, वो अलग-अलग होते हैं. तो कुछ important जो सेल है उनकी बात करते हैं. इसकी जो शेप होगी वो क्या होगी, शेप ऑफ सेल्स. अलग अलग सेल्स की हम बात करेंगे. शेप ऑफ सेल्स देखिए, पहला हम देखते हैं हमारे पास आरबीसी. आरबीसी की जो शेप होती है दैट इज डिस्क शेप, बाइकॉनकेव डिस्क लाइक स्ट्रक्चर. बाइकॉनकेव डिस्क Like structure. मतलब दिस इज लाइक इस तरह की स्ट्रक्चर यहां पे होती है बाइकॉनकेव, कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर आरबीसी की होती है बाइकॉनकेव डिस्क लाइक स्ट्रक्चर. तो ऐसे ही राउंडेड स्ट्रक्चर इस तरह से, बट बाइकॉनकेव है दोनों तरफ से ऐसे चपटे होते हैं. तो बाइकॉनकेव डिस्क लाइक स्ट्रक्चर. फिर देखो नेक्स्ट हमारे पास हम ले सकते हैं एग्जाम्पल मसल सेल्स. मसल सेल्स जो होते हैं दे आर स्पिंडल लाइक स्ट्रक्चर. स्पिंडल सेप इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है मसल सेल्स की. दिस इज मसल सेल्स. दिस वन इज न्यूक्लियस. दिस इज मसल सेल्स. नाउ एग सेल की हम बात करें, एग सेल
elliptical or spherical. This is spherical. This is egg cell. इस तरह की स्ट्रक्चर होती है. Now liver cell. लीवर के हमारे बॉडी के अंदर जो लीवर होता है, लीवर के जो सेल्स होते हैं, लीवर सेल, देयर स्ट्रक्चर इज पॉलीगोनल. पॉलीगोनल सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है लीवर सेल्स की, पॉलीगोनल. नाउ नर्व सेल्स, नर्व सेल्स की हम बात करें तो नर्व सेल्स आर एलोंगेटेड. नर्व सेल्स आर एलोंगेटेड elongated and they are also the longest cell of the body. Elongated means this kind of structure of nerve cells. As a lumbar structure, so this is nerve cells. Now the next one we can take bone cell. Bone cell. Bone cell की हम बात करें, bone cell star shaped होते हैं. बोन सेल जो है स्टार शेप होंगे. आप अगर ऐसे बोन सेल स्टार शेप फिगर में यहां जैसे बना दे रहा हूं, अगर आप बोन सेल्स की बात करें तो बोन सेल कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर्स होती है. स्टेलेट भी बोलते हैं. दिस इज बोन सेल, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है स्टेलेट.